सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक नया अपडेट आ चुका है, जो आपकी जो छठवीं किस्त है वो आपके अकाउंट में आनी शुरू हो चुकी है। और कैसे आपको देखना है और छठी किस्त से रिलेटेड और जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं अभी फिफ्थ जो किस्त है, जो पेमेंट सक्सेस जो परसेंटेज है, इसमें अभी केवल फिफ्थ इंस्टॉलमेंट तक दिखा रहा है। तो आज 1 अगस्त 2020 को जो छठी किस्त है आपकी, वो आज से अकाउंट में भेजनी शुरू हो चुकी है। और इस हफ्ते तक आपकी जो अकाउंट में जो पैसे हैं 2000 रुपये छठी किस्त के, आपके अकाउंट में भी पहुँच जाएंगे। यानी जो इसका प्रोसेस है, जो FTO है, FTO जो होता है आपका जो फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर होता है, वो शुरू हो चुका है। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसके लिए आप बेनिफिशियरी स्टेटस यहाँ से खोलेंगे। बेनिफिशियरी स्टेटस यहाँ आप आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं। स्टेटस खोलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ये एक पेज आ जाता है, और यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटस में आपका जो आपका स्टेटस है वो आपको दिखता है। पेमेंट स्टेटस, बैंक नेम और क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट डेट, UTR नंबर, ट्रांजेक्शन फेल्ड रीजन, FTO पेंडिंग रीजन, ये दिखाता है। अब यहाँ बैंक नेम भी एक नया ऑप्शन यहाँ जोड़ दिया गया है, जिससे कि यहाँ देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर इस स्टेटस में जो दिया गया है आवेदन में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं नीचे छठी किस्त का जो है एक नया कॉलम यहाँ ऐड कर दिया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये आज ही यहाँ नया ऑप्शन जुड़ा है, और इसमें FTO भी आज से ही दिखना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, विद इन 1 वीक ये जो है हमारा जो FTO दिखा रहा है, यहाँ दिखा देगा कि 6th जो इंस्टॉलमेंट है, पेमेंट है, वो डन हो चुकी है, और पूरा यहाँ दिखा देगा। तो दोस्तों, 2020 की ये जो आपकी तीसरी किस्त है, ये आपके अकाउंट में अगस्त में आज 1 तारीख है, आज से भेजने शुरू कर दिए है सरकार ने। और आप भी देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में आई है छठी किस्त या नहीं आई है। इस तरह से अगर आपको FTO दिखाता है, तो आपकी भी छठी किस्त यानी आ चुकी है, बस उसका जो पेमेंट कन्फर्मेशन है वो पेंडिंग में है, यानी कि आपके अकाउंट में वो आनी बाकी है। तो 2-4 दिनों में आप यहाँ देखेंगे ये FTO के बदले यहाँ 6th इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन यहाँ दिखा देगा। तो दोस्तों, आपको स्टेटस से ये देख लेना है, और PM किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाके बेनिफिशियरी स्टेटस से ये आपका दिखेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपका जो यहाँ बैंक अकाउंट नंबर कोई गलत हो रखा है या IFSC कोड कुछ गलत हो रखा है, तो आप उसे तुरंत उसमें सुधार करवा लें, जिससे कि आपकी जो छठी किस्त है वो आपके अकाउंट में आ जाए। इसी के साथ जिन लोगों की पहले की किस्तें नहीं आई हैं, उनको भी अकाउंट में सुधार करवा लेना है, जैसे कि उनका अकाउंट नंबर, IFSC नंबर वगैरह आपको सुधार करवा लेना है, या आपके जो आपका आवेदन है उसमें कोई भी जो प्रॉब्लम हो रखी है उसमें आपने सुधार करवा लेना है। अगर आपका स्टेटस खुल रहा है, तो आप तहसील से इसमें सुधार करवाएंगे, और अगर आपका स्टेटस नहीं खुलता है, आपका जो यहाँ होम पेज पे जो दिखाता है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड CSC फार्मर, इससे आपका स्टेटस खुलता है, तो यानी कि आपका भी पेंडिंग में है आवेदन। तो अगर आपके आवेदन में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और उसमें उसके बाद यहाँ अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन से उसमें सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से ये जुड़ा हुआ नया अपडेट आप सभी लोगों के लिए 6th इंस्टॉलमेंट से जुड़ा हुआ अपडेट है, और 6th इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आनी शुरू हो चुकी है। और इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी क्या समस्या है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और इसी तरह PM किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।